के लिए अपने हक के लिए ना बराबर हक चाहिए तो यहाँ पर आ जाओ तुम लोग सब। और हेमंत सोरेन दिखाना होगा, हेमंत सोरेन के घर में हम लोग आग लगा देंगे अगर जयराम महतो को नहीं छोड़ा तो। हेमंत सोरेन स्टूडेंट लोगों जितना परेशान कर रहा ना, उसका बेटा उसका नाती उसका पति सबको परेशान करेंगे हम लोग। हम लोग क्या इतना स्टूडेंट लोग को इतना स्टूडेंट लोग हथियार पकड़ रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट को पेन छोड़ो अगर हथियार पकड़वाने का काम कर रहा है, वो संदेश क्या दे रहा है? उसका पुतला दहन होता है ना, उसी कीमती समय देता है हम लोग को। हम लोग 6 बजे का हम लोग टाइगर को उसके पास छोड़ेंगे। हम लोग 6 अगस्त पे हम लोग भरोसा नहीं करते। इतना बड़ा चुतिया आदमी साला स्टूडेंट लोगों को परेशान करके रख दिया जिसका वोट करे वो जीत। और हम लोग जयराम महतो को उसके पास 6 बजे तक छोड़ेंगे? ये तो कौन आतंकवादी है साला, एक नंबर का चोर है साला, एक नंबर का घुसखोर है साला, बिहारी एक नंबर का। बिहारी पुलिस यहाँ पर झारखंड से भगाया जाए, झारखंडी एकता दिखाया जाए। यहाँ पर आबुआ राज में बाबुआ राज नहीं चलेगा, यहाँ पर एकदम नहीं चलेगा आबुआ राज में बाबुआ राज। हम सरायकेला डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। किस मामले पे आया? हम लोग यहाँ विधानसभा घेराव करने, जो हम लोग को 60 और 40 का हम लोग का नीति बनाया है ना, हम लोग 60 और 40 लेके क्या झालमुड़ी बेचेंगे यहाँ पर झारखंड में? वो ये वाला संदेश वो कैसे दे रहा कि झारखंड में पूरा पूरा भारत के आके यहाँ पर नौकरी करो, मतलब ये वाला संदेश कैसे हो रहा है कि उसका बीबी को कोई भाभी मत बोलो, सब बीबी बोलो, सब बीबी को संदेश वो क्या देना चाह रहा है? हेमंत सोरेन यही ना साला, मूर्ख मंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं है, सीएम है ना, चीफ मिनिस्टर नहीं है, चुतिया मिनिस्टर है साला। स्टूडेंट लोग को परेशान कर, यही स्टूडेंट लोग के चलते आज जीता है ना, स्टूडेंट लोग को सबको पेन छोड़वा के एकदम हथियार पकड़वाने का काम करा। ये सब लाइब्रेरी में दिखाई देता था और आज यही सब सड़क में बैठा है। ये सब सबका वजह है हेमंत सोरेन, इसको अपना समझ के सबको वोट दिया और जिताया। साला बाहर वालों पर तो भरोसा नहीं करते थे, अपनों पर भरोसा किए थे, लेकिन अपना ही तो दोगला निकला। अपना नेता मोतीलाल महतो जयराम महतो को मारा गया, क्या कहेंगे? वो मारा ना, उसका चमड़ी छील के ना साला हम लोग नचोड़ के ना जला देंगे। मोतीलाल को मारा है ना, आपका नेता को अरगोड़ा थाना ले गया, क्या जाएंगे छुड़ाने के लिए? थाना क्या, उसका बाप भी हेमंत सोरेन का बाप भी यहाँ पर लाएगा जयराम को, हम लोग थाना क्यों जाएंगे? यहाँ लाना पड़ेगा, नहीं लाया ना उसका घर जला देंगे हम लोग जाके। यहाँ पर क्या झारखण्ड अपना बाबा जी का ढाबा समझ के रखा है साला चूतिया। हमारा पूर्वज भी मार खाते खाते मर गया और झारखण्ड अलग करके मर गया और हम लोग भी मार खा रहे हैं, कब तक मार खाएंगे? मार खाएंगे हम लोग, क्यों मार खाएंगे? हम लोग उसको मार के जाएंगे, हम लोग मार खा के नहीं जाएंगे। जितना हमारे पूर्वज मार खाया ना, उसका हिसाब किताब इस बार हम लोग चुकता करेंगे, उसको मार के हम लोग, अगर हम लोग जयराम महतो को नहीं छोड़ा है तो।